नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज। मैं हूं आपके साथ रेनु सुनीता। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पेगासस केस को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने दी धमकी, कहा जब तक चर्चा नहीं तब तक संसद में कोई कार्रवाई नहीं। पेगासस केस को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी दिया बड़ा बयान, कहा डेटा प्रोटेक्शन की बजाय डेटा कलेक्शन कर रही सरकार। इसी मामले में पाकिस्तान ने भी मोदी सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप, इमरान का नंबर पेगासस लिस्ट में, कहा वैश्विक मुद्दा बनाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने स्कूल खोलने पर इशारा दिया। उन्होंने कहा प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में अडल्ट की तुलना में संक्रमण होने का खतरा कम है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के साथ चार यात्री कुछ देर में स्पेस के लिए रवाना होंगे। 52 साल पहले आज ही के दिन नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचे थे। मणिपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद दास ने पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में हो सकते हैं शामिल। तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरे की आशंका, पर अब तक वही सबसे ज्यादा सुरक्षित। 2.5 महीने में 2.70 लाख मरीजों में सिर्फ 8,029 बच्चे ही संक्रमित। बकरीद पर छूट से सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा लॉकडाउन में छूट देना लोगों की जिंदगी से खिलवाड़, किसी भी दबाव में ऐसा ना करें। हिमाचल में रोजाना पहुंच रहे 18,500 सैलानी, डीजीपी ने कहा एक साथ इतने टूरिस्ट पहले कभी नहीं देखे। पॉर्न फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और बिजनेसमैन राज कुंद्रा, इससे पहले भी उन पर कई केसेस हुए हैं दर्ज। राज कुंद्रा पॉर्न मामले में कूदी कंगना रनौत, बोली यही कारण है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को गटर कहती हूं। मैं अमिताभ बच्चन की फिल्म में एक सीन भी करने के लिए तैयार हूं, साउथ एक्टर सुमन तलवार ने जताई इच्छा। सोनाक्षी सिन्हा ने शुरू की हॉरर फिल्म की शूटिंग, नाम है ककुड़ा। रिलायंस जियो जल्द ही लाने वाले हैं 5G और जियो नेक्स्ट फोन। भारत में लॉन्च हुआ पोको M3 का नया रैम वेरिएंट। पोस्ट ऑफिस में कई पदों पर निकाली गई है वैकेंसी, 10वीं और 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकेंड वनडे मैच में चहल की शानदार गेंदबाजी, 2 गेंदों पर झटके 2 विकेट। नए एडवांस नेविगेशन फीचर्स के साथ हीरो ग्लैमर एक्सटेक हुई लॉन्च, देगी पहले से 7% ज्यादा माइलेज। महिंद्रा की गाड़ियों में खराबी मिलने पर कंपनी ने 600 गाड़ियों को बुलाया वापस। सेंसेक्स 354 पॉइंट गिरकर 52,200 से नीचे आया, 120 अंक की गिरावट के साथ 15,632 पर रहा निफ्टी। आज की बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए जे न्यूज़।